सियासी तौर पर देश के उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई है। एक तरफ जहां लोकसभा में जबरदस्त नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी उत्साह में है, वहीं भाजपा के विजय रथ को झटका लगा है। अब दोनों ही दल के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। इसी को देखते हुए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा द्वारा धर्मेंद्र रघुवंशी को गाजियाबाद जिला प्रभारी बनाया गया था। आज धर्मेंद्र रघुवंशी की कार्यशैली देखते हुए उन्हें गाजियाबाद विधानसभा से उपचुनाव का प्रत्याशी बनाने की घोषणा की। इसी बीच राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिसोदिया, महेश सिसोदिया, गाजियाबाद जिला यूथ अध्यक्ष व पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। हमने गाजियाबाद विधानसभा से अपने एक प्रत्याशी धर्मेंद्र रघुवंशी को प्रत्याशी बनाया है। ये गाजियाबाद विधानसभा की जनता के बीच के व्यक्ति है और गाजियाबाद विधानसभा की सभी समस्या को बखूबी जानते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी को गाजियाबाद की जनता विजय बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम और प्रत्याशी की जल्द घोषणा करेंगे। गाजियाबाद विधानसभा की समस्या पर शेर सिंह राणा ने कहा कि जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, जाम की समस्या बनी रहती है, पार्किंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारा प्रत्याशी अगर जीतता है तो हम सभी समस्याओं से जनता को निजात दिलाएंगे। वहीं पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिसोदिया ने भी धर्मेंद्र रघुवंशी पर भरोसा जताते हुए कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि गाजियाबाद विधानसभा की जनता हमारी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र रघुवंशी को जरूर एक मौका देगी और जनता के हर मुद्दों पर हमारे प्रत्याशी और हमारी पार्टी खरी उतरेगी। वही प्रत्याशी की घोषणा होते ही धर्मेंद्र रघुवंशी ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा का धन्यवाद किया और गाजियाबाद विधानसभा की जनता को भरोसा दिलाया कि जो ग्राउंड के मुद्दे हैं, मैं और मेरी पार्टी उन मुद्दों पर खरी उतरेगी। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद की जनता ने सपा को देखा, भाजपा को देखा, कांग्रेस को देखा, अब एक और मौका मुझे भी दीजिए ताकि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। देखिए धर्मेंद्र जी तो अब राजनीति में आए हैं, समाज सेवा में कई वर्षों से हैं। पूरे गाजियाबाद में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसके लिए धर्मेंद्र जी ने आवाज़ ना उठाई हो या कोई वहाँ पे ऐसा कार्य ना किया हो कि वहाँ की जनता इनको पहचानती ना हो या इनसे जुड़ी भी ना हो। तो मुझे विश्वास है कि गाजियाबाद जो है अब एक ऐसे व्यक्ति को मौका देगा जो उनके सुख दुख में खड़ा होने वाला है और एक ऐसी पार्टी को मौका देगा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के पार्टी हो, तो देश की, प्रदेश की, गाजियाबाद की समस्याओं को दूर करके उनकी तरक्की के लिए काम करते हैं। क्षेत्रीय मुद्दों की अगर बात करें तो क्या कुछ कमियां, क्योंकि अभी भी आप भी निकल के आए हैं, काफ़ी समय आपको इस क्षेत्र में लगा है, तो क्या कुछ कमियां देखने को मिली आप भी आए इधर से निकल के? देखिए समस्या तो अनेक हैं। अब आप बताइए, बगल में जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय है, पैर रखने की जगह नहीं है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, लोगों ने जो है हजारों की संख्या में गाड़ियां सड़कों पे लगाई हुई है। तो जब डीएम कार्यालय, जो कि जिले का बॉस है, उसके कार्यालय के आसपास ही पार्किंग की सुविधा नहीं है गाजियाबाद जैसे महानगर के पास, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। तो अगर हमें मौका मिलता है, हमारी पार्टी को मौका मिलता है, तो एक मल्टीपल स्टोरी बड़ी पार्किंग जिसमें करीब 1000 से ऊपर गाड़ियां खड़ी हो सकती होंगी, तो उसका निर्माण हम कराएंगे बहुत जल्दी, जिससे कि लोगों को असुविधा से छुटकारा मिले। चुनाव में कितने प्रत्याशी उतारने की उम्मीद है? देखिए आज तो एक प्रत्याशी की घोषणा की है, मीरापुर विधानसभा से भी हम लोग उपचुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं और इसके अलावा जो दूसरी विधानसभाएं हैं उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज हम गाजियाबाद की बात करेंगे और धर्मेंद्र जी हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं और मैं बड़ी शुभकामना उनको देता हूँ। ये राष्ट्रीय संयोजक भाई आदरणीय शेर सिंह राणा जी ने जिला प्रभारी गाजियाबाद धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी जी को उपचुनाव में के मैदान की इनको चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मैं इनका स्वागत करता हूं और जैसा कि हम लोगों ने दिल्ली हरियाणा में चुनाव लड़े हैं उसी प्रकार से
बहुत अच्छे तरीके से गाजियाबाद में भी धर्मेंद्र रघुवंशी जी को चुनाव जिताने का कार्य करेंगे पूरी मेहनत से और लगन से। गाजियाबाद की जो जनता है, क्योंकि आपने बताया कि पहले ही समाज में काम करते नजर आ रहे हैं धर्मेंद्र जी, कितनी उम्मीद है कि आपके प्रत्याशी को समर्थन करेगी, क्योंकि सामने उनके बीजेपी भी है सपा भी है, तो फिर आपके प्रत्याशी को कैसे? जो प्रत्याशी आज से पहले बीजेपी ने, कांग्रेस ने, सपा ने उतारे हैं, वो एक बहुत हाईटेक प्रत्याशी उतारे हैं। ये पब्लिक के बीच के आदमी हैं, जानकर क्षेत्र की मुद्दों को बहुत ज़्यादा जानकारी है, जो इस क्षेत्र की या इस ज़िले की, गाजियाबाद की जो समस्याएं मूलभूत हैं वो सबसे ज़्यादा इन लोगों को जानकारी है। हमारे प्रत्याशी धर्मेंद्र जी जब मैदान में उतरेंगे, लोग इनका समर्थन करेंगे, इनको जिताने का काम करेंगे, और ये सत्ता में आने के बाद उस क्षेत्र की जनता को अपने भाई और प्यार की तरह रखेंगे, उनका क्षेत्र में रह करके काम करेंगे। कितनी उम्मीद है कि गाजियाबाद की जनता आरजेपी को समर्थन करेगी, आरजेपी प्रत्याशी को जिताएगी? 100% उम्मीद है हम लोगों को। भाई धर्मेंद्र जी जब मैदान में उतरेंगे, लोग इनका भारी मतों से समर्थन भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे, इनको वोट देंगे और जिताएंगे भी। एनबीसी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।